हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर एंड आरआरबी पीओ मेंस की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं। उसका डेली स्टडी प्लान भी हम लेकर आए थे, होपफुली वो आपने डाउनलोड किया होगा एंड उसके प्रिंट निकलवा कर उसी के अकॉर्डिंग आप वर्क कर रहे होंगे। तो आरआरबी पीओ मेंस को लेकर जो डेली का स्टडी टारगेट है उसे पूरा करते रहिए। वो मिनिमम टारगेट है, उतना तो आपको पढ़ना ही है, प्लस साथ में आप एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। आज का स्टडी टारगेट जिसमें कि डीआई है, डेटा सफिशियंसी है, पजल है, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन हैं, सॉरी टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन है, वो अपलोड हो चुका है हमारी वेबसाइट पर एंड आप पर देखेंगे। डेली स्टडी टारगेट आरबीपीओ मेंस 29 अगस्त 2018, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। एंड प्लीज डाउनलोड करने आइए तो जहां पर ऐड डिस्प्ले हो रहे हैं एक या दो एड्स पर क्लिक कर दीजिएगा। ये जो आप ऐड क्लिक करते हैं ये आपकी तरफ से बहुत बड़ा सपोर्ट हो जाता है हमारे लिए और हम थोड़ी सी अर्निंग हो पाती है, वेबसाइट थोड़ा रेवेन्यू जनरेट कर पाता है, डिसी से वेबसाइट चल पाती है, उसकी बाकी चीजें मैनेज हो पाती हैं। तो इतना सपोर्ट नीडेड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना जरूर करेंगे। अब बात करते हैं कि देखिए, सारे टॉपिक 100% तो आप पढ़ रहे होंगे अभी फिलहाल, लेकिन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको छोड़ा जा सकता है एग्जाम के लिए, जिनको ना पढ़े तो काम चल जाएगा, या फिर वो वेटेज बहुत कम रखते हैं, या फिर टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा है, मार्क्स देते हैं एक दो, तो ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। पहले अगर हम बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से होते हैं मेंस एग्जाम के लिए, तो चलिए दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इधर हम बात कर लेते हैं किस चीज की, मैथ्स की, और इधर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। ठीक है, ये आपका पेज हो गया डिवाइड। अब देखिए, पहले मैं रीजनिंग की बात करूंगा। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो एक तो आपको पता है कि पजल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आनी ही आनी है। ठीक है, एक सिलोजम, ये भी आपको पता है आना ही आना है। ठीक है, सिलोजम आएगा आपका और कैसा आएगा, ये रिवर्स सिलोजम आ सकता है या कुछ और आ सकता है। अच्छा, रिवर्स सिलोजम की वीडियो जो है वो बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज अवेलेबल है अनअकैडमी पर, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप रिवर्स सिलोजम की वीडियो वहां पर देख सकते हैं। तीसरा, रिवर्स सिलोजम की अगर मैं बात साथ में देखें तो आजकल ब्लड रिलेशन के टफ क्वेश्चंस आने लगे हैं जो कि क्या होते हैं, पजल बेस्ड ही होते हैं एक हिसाब से। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस। ठीक है, चौथा, अगर हम बात करें ऑर्डर एंड रैंकिंग की, एक अल्फाबेट वाली सीरीज आती है ना रीजनिंग में, जिसमें बोलते हैं कि कितने के पहले एक वॉवल है, कितने नंबर्स के बाद कॉन्सोनेंट है, ऐसे काउंटिंग करनी होती है। ठीक है, तो वैसी जो सीरीज आती हैं वो सीरीज में यहाँ पर बोलूंगा आप छोड़ सकते हैं। मेन्स एग्जाम में वैसी सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मेन्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है एंड वो है मशीन इनपुट एंड आउटपुट, मशीन इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो जो सीरीज वाला क्वेश्चन है वो आप छोड़ सकते हैं। और आप क्या छोड़ सकते हैं, देखिए यहां पर आप इनइक्वालिटी वैसे प्रीलिम्स में आ जाती है, मेंस में आएगी नहीं, बट जो नॉर्मल इनइक्वालिटी होती है ना उसके तो आप प्रैक्टिस ही मत करिएगा अब। ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी चांसेस तो है आने की, बट बहुत कम चांसेस है क्योंकि प्रीलिम्स में वो आ जाती है, तो नॉर्मल इनइक्वालिटी तो आएगी नहीं। अगर आएगी तो वो कोडेड आएगी, और कोडेड के साथ में क्या आएगी, बहुत सारे सेपरेट स्टेटमेंट्स होंगे, कंबाइंड स्टेटमेंट तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे सेपरेट स्टेटमेंट आएंगे और वो कोडेड इनइक्वालिटी होगी। ठीक है, कुछ दे देंगे आपको पी एट द रेट क्यू कॉमा जे एट द रेट एस। ठीक है, इस तरह बहुत से स्टेटमेंट देंगे, इनको कंबाइन भी करना होगा प्लस डिकोड भी करना होगा, ऐसी इनइक्वालिटी एक बार को आ सकती है। मशीन इनपुट एंड आउटपुट आप मान के चलिए आएगा ही आएगा, पजल आप मान के चलिए 15 नंबर की आएगी ही आएगी, सिलोजम आप मान के चलिए 5 नंबर का आएगा ही आएगा, लेकिन टफ आएगा, इजी बिल्कुल नहीं आएगा। ब्लड रिलेशन आप मान के चलिए 3 से 5 नंबर का आएगा ही आएगा, वैसे 3 नंबर का ही यूजुअली आता है। और अगर एक पढ़ाई छोड़ने की बात करूँ ना मैं, तो आप यहाँ पर एक डायरेक्शन एंड सेंस का जो टॉपिक होता है ना, ये भी आप छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यार आप मेंस निकाल ही चुके हो, मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो डायरेक्शन एंड सेंस में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपने पहले पढ़ लिया, उतना इनफ है, कुछ खास लॉजिक लगाना नहीं होता है। तो ये टॉपिक भी आप क्या करिए, छोड़ दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, ये तो आप आएगा तो वैसे भी कर लोगे, और वैसे एक या दो नंबर ज़्यादा तो आता ही नहीं है, थोड़ा बहुत आता है। ठीक है, बाकी कोडेड इनइक्वालिटी के लिए मैंने बता ही दिया है, और सिलोजिज्म जो आएगा वो बेसिक आएगा नहीं, डेफिनेटली एडवांस लेवल का आएगा। ब्लड रिलेशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और जो वर्बल रीजनिंग होती है ना, कॉज एंड इफेक्ट एंड स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्बल रीजनिंग। ठीक है, बैकग्राउंड रीजनिंग, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, वैसे आरआरबी पीओ में ये बहुत कम आया है या नहीं ही आया है, बट कॉज एंड इफेक्ट के क्वेश्चन मुझे लग रहा है
कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड एजम्पशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। कोशिश करिएगा 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, ताकि इन केस अगर आ जाता है तो आप वो क्वेश्चन कर पाए, क्योंकि आएंगे तो 4-5 क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक या दो क्वेश्चन आए। बाकी जो सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं, लीनियर होते हैं, बाकी चीजें होती है, उनको मैं उसी में काउंट करता हूँ, पजल में ही काउंट करता हूँ, आपको पहले से पता है, ठीक है। बाकी जो अलग से मैं काउंट उन्हें नहीं करता हूँ। तो कुल मिलाकर सिर्फ इतना ही मेरे हिसाब से रीजनिंग का जो मेन सिलेबस होता है पीओ के लिए होता है, मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आपको पजल, सिलोलिज्म, ब्लड रिलेशन, मशीन इनपुट एंड आउटपुट एंड वर्बल रीजनिंग, इनकी सिर्फ मेहनत करनी है, बाकी चीजों पे कुछ खास मेहनत करने की जरूरत है नहीं, छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट करके क्या करेंगे। इन्हीं का वेटेज इतना ज्यादा होगा कि आप एग्जाम को बहुत ही अच्छे से निकाल पाएंगे, ठीक है। अब रीजनिंग का चलिए एक बार को मान ले हो गया, अब बात कर लेते हैं मैथ्स की, क्योंकि देखिए मैथ्स में एक आता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मान लीजिए जो आएगा ना, टफ आएगा, बिल्कुल इजी नहीं आएगा, ठीक है, नॉर्मल से आ जाता है। या तो वो रूट वैल्यूज आएंगी, ठीक है, रूट में होंगी, या क्यूब रूट्स भी आ सकते हैं, या किसी और तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी, जैसे कि प्रीलिम्स में आई है ना, एक दो शिफ्ट में आई थी, नॉर्मल वैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल नहीं आएगी। तो इसके आपको क्या करना है, टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं, इजी क्वेश्चन करने का कोई फायदा नहीं है, टफ क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, तो नंबर सीरीज तो आनी ही आनी है, नंबर सीरीज आनी ही आनी है, ठीक है। मिसिंग नंबर सीरीज आए, वन नेक्स्ट टर्म फाइंड करने को आए, या कुछ भी आए, बट ये आएगी ही आएगी। एंड नंबर सीरीज करने का तरीका क्या है, तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, आप जितने ज्यादा हो सके उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, उतने ज्यादा आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप से सीरीज बन सकती है। बाकी और कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता है, कोई ट्रिक नहीं होती है, बस गैप्स को देखकर आप ये एक बार को गेस कर सकते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन की सीरीज है, या फिर डिवीजन की है, या एडिशन की सीरीज है। इससे ज्यादा आप कुछ गेस नहीं कर सकते हैं किसी भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन पर। एंड तीसरा सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको पता ही होगा, डीआई। देखिए डीआई में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मिसिंग डीआई, कैसलेट डीआई, ठीक है। ये दो तो आप बहुत ही बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। वैसे मिसिंग डीआई का तो एक क्वेश्चन पक्का होता है 5 नंबर का, कैसलेट डीआई भी मान लीजिए आप एक नंबर क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का पक्का, ठीक है। और एक डीआई आएगी जिसमें 2 से 3 ग्राफ होंगे, ठीक है, ऐसे ही आता है पैटर्न। एक कैसेट डीआई आएगी, एक मिसिंग डीआई आएगी, एक डीआई आएगी जिसमें 2 से 3 ग्राफ का कॉम्बिनेशन दिया होगा। तो आपको इन पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। और कैसेट डीआई के लिए, अच्छा हाँ आपको बता रहा हूँ मैं, कैसेट डीआई के लिए देखिए आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दिया है मैंने, कैसेट डीआई प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर जाइए एंड प्रैक्टिस कर जाइए क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। और चौथा चीज, अगर मैं बात करूँ एवरेज के क्वेश्चन जो आते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं, एवरेज का एक क्वेश्चन आएगा या दो क्वेश्चन आएंगे, और वैसे नहीं आएंगे, और आएंगे तो बहुत इजी आएंगे, या फिर नहीं ही आएंगे आप मान के चलिए, तो इसको आप छोड़ दीजिए बिल्कुल। आया तो कर लेंगे, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कुछ और टॉपिक हैं जो वेटेज ज्यादा नहीं रखते हैं, जैसे आपका परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, ठीक है, मेंसुरेशन हो गया, ठीक है। मेंसुरेशन का तो क्वेश्चन अलग से आएगा, बट परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, आपका एसआई सीआई, ठीक है, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि ये सब डीआई में यूज होंगे, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है, एंड आपका एसआई एंड सीआई। ये टॉपिक्स आपके जो डीआई हैं उसमें बहुत काम आएंगे। और वैसे इंडिविजुअली अगर इनके वेटेज की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन, इससे ज्यादा आपके नहीं आते हैं, ठीक है। तो इन टॉपिक्स का लेकिन कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि आप डीआई कर पाए। नेक्स्ट टॉपिक की मैं बात करता हूं, 6 नंबर पे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्वेश्चन भी आपको कुछ खास प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन आपके मेंस एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक आप छोड़ दीजिए। एंड एक आता है आपका टाइम एंड वर्क, और एक आपका आता है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ठीक है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वही टॉपिक है ना, जिसमें ट्रेन चलती है, पुल क्रॉस करती है, या आदमी क्रॉस करती है, किसी पिलर को क्रॉस करती है, एंड आपको बताना होता है ट्रेन की लेंथ क्या है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप जरूर पढ़ लीजिए। टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके मैथ्स के लिए, ठीक है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस करना ही करना है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, और एसआईसीआई कर लीजिए, मेंसुरेशन भी छोड़ दीजिएगा, ठीक है। एक आप एवरेज छोड़ दीजिए, एक आप मेंसुरेशन भी छोड़ दीजिए, क्यों, एक नंबर का क्वेश्चन आएगा उसके लिए कितने टॉपिक आप पढ़ोगे बिना मतलब में, ठीक है। तो इनको भी छोड़ना ही है आपको, और इनको करने की कोई मुझे
जरूरत लगती नहीं है। डेटा सफिशियंसी इंपॉर्टेंट है। डेटा सफिशियंसी मैं डेली आपको स्टडी प्लान में दे रहा हूं, तो वो आप जरूर पढ़ लीजिएगा, उन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। एक टॉपिक आपका आता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिएगा, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी एक नंबर क्वेश्चन आएगा, जान दीजिए, उसको करने के चक्कर में आप बाकी चीजों की प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का थोड़े क्वेश्चन कर लीजिएगा, या नहीं भी करेंगे तो एक क्वेश्चन उसका भी आता है, ठीक है। मिक्सचर एंड एलिगेशन आप छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कर लीजिएगा, एंड मिक्सचर एलिगेशन छोड़ दीजिएगा, मेंसुरेशन छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। प्रोबेबिलिटी छोड़ दीजिएगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। डेटा सफिशियंसी कर लीजिएगा। तो मैथ्स एंड रीजनिंग को लेकर के मुझे लगता है आपको ये क्लियर होगा कि अब आपको क्या पढ़ना है एंड बेसिकली क्या नहीं पढ़ना है। एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको फटाफट। रीजनिंग में आपको जो सीरीज वाली आती है, अल्फाबेट सीरीज टाइप की होती है, वो क्वेश्चन छोड़ देने हैं, इनइक्वालिटी नॉर्मल छोड़ देनी है, डायरेक्शन एंड सेंस के क्वेश्चन छोड़ देने हैं। मेन जो फोकस रखना है वो पजल पे, सिलोजिज्म पर, ब्लड रिलेशन पे, मशीन इनपुट आउटपुट पे, वर्बल रीजनिंग पे, ठीक है। सिर्फ ये चीजें करनी है। मैथ्स की बात करूं तो आपको डीआई करना है, नंबर सीरीज करना है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन टफ वाले करने हैं, वैसे छोड़ देंगे तो भी दिक्कत नहीं है। मिसिंग डीआई, कैसेट डीआई, या दो तीन ग्राफ कंबाइंड वाली डीआई आपको जरूर करनी है। एवरेज वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं, मेंसुरेशन वाले छोड़ देने हैं, प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं, ठीक है। परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एसआईसीआई, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, एंड प्रोपोर्शन कॉम्बिनेशन, टाइम एंड वर्क, एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये क्वेश्चन आपको करने हैं। पार्टनरशिप क्वेश्चन भी आपको छोड़ देने हैं, करने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो होपफुली ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फटाफट आप वेबसाइट पे जाइए, आज का टारगेट प्लान डाउनलोड करिए, स्टडी का जो टारगेट है वो बुक डाउनलोड करिए, 30-35 पेज की बुक होगी, वो क्वेश्चंस आपको हर हाल में आज कर लेने हैं, प्लस साथ में कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ाई करनी होगी, ताकि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली 100% हो जाए। तो ये वीडियो किसी भी रीजन से अच्छा लगा है, हमारे स्टडी मटेरियल किसी भी रीजन से अच्छे लग रहे हैं, तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड जो वेबसाइट पर जाइएगा, एक दो एड्स पर क्लिक करिएगा, वेबसाइट को, चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू।